ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको अपने मन, इंद्रिया, शरीर और बुद्धि की शक्ति की जरूरत होती है। वेदों में इसका वर्णन है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ सेमन रिटेंशन है और इसका पालन केवल ऋषि मुनियों को ही करना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि ये सारी बात मिथ्या है। आज की इस वीडियो में ब्रह्मचर्य की रहस्यों का चर्चा करेंगे। क्या बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? क्या लड़कियां भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है? जिनका मैरिज हो गया है क्या उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? क्या स्टूडेंट ब्रह्मचर्य को फॉलो कर सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगी। ब्रह्मचर्य का जितना लाभ है उतना हानि भी है, इसकी बात हम आगे करेंगे। जब से मैं इसके बारे में जाना तब से मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए और मेरा जीवन पहले से बेहतर हो गया है। अब हम समझते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भगवान हनुमान जी, आदि शंकराचार्य, एपीजे अब्दुल कलाम, विवेकानंद जी, गौतम बुद्ध, इन सबों ने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े सिद्धियां हासिल किए हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब है सिंपल लाइफ जीना। अपनी एनर्जी को गलत चीजों में बर्बाद करने से अच्छा है उसको अपने जीवन को बेहतर बनाने में यूज करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपकी आने वाली जीवन बेहतर बन जाती है। आपकी इंटेलिजेंस शक्ति इंक्रीज होने लगती है और स्मरण शक्ति भी बढ़ने लगती है। यह इतना इफेक्टिव है कि वैदिक काल से लेकर आज तक सभी ऋषि मुनियों ने इसका पालन करने के लिए कहा है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना अपने शरीर में अमृत घोलने के समान है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जिसका पालन करने से आपका शरीर बिना दवाई के बहुत सारी बीमारियां ठीक करने लगती है। यह हमारे दैनिक जीवन में उतना ही जरूरी है जितना जरूरी सांस लेना है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य ब्रह्मांड की तीन शक्तियों में से एक शक्ति है, यानी कि एक पिलर है। जो इंसान अपने जीवन में बहुत सारी बीमारियों से परेशान है, जैसे कब्ज, गैस्ट्रिक, फिटनेस, मेंटल शक्ति आदि, ब्रह्मचर्य का पालन करना इन सारी बीमारियों से मुक्त कर सकता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए कोई भी इंसान अपनी पूरी जीवन नहीं जी सकता है। वेदों के अकॉर्डिंग जो इंसान अपनी माइंड को कंट्रोल कर लेता है वह अच्छे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। आयुर्वेद का मानना है कि अगर आपने 90 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके अपने मन, बुद्धि और शरीर की ताकत में चेंज फील होगा। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं उन लोगों के जीवन में कहीं न कहीं ब्रह्मचर्य का लगाव रहा है, इसलिए आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके शरीर में 80% बीमारी ठीक हो जाती है। ब्रह्मचर्य आपकी फोकस शक्ति और कंसंट्रेशन पावर को डेवलप करने में काफी मदद करता है। इसका पालन करके आप किसी भी डिफिकल्ट चीज को आसानी से लर्न कर सकते हैं, अपनी इंटेलिजेंस पावर को बढ़ा सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपकी विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन शक्ति तेजी से ग्रो होती है। अब यह सब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन सभी बेनिफिट को लेना चाहते हैं या ब्रह्मचर्य को तोड़ करके टेम्पोररी खुशी को हासिल करना चाहते हैं। अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में डिफिकल्ट लगता है तो हम आपको बताते हैं कि आसानी से इसका पालन कैसे कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म के रूप में सोचना होता है, यानी कि जो हरेक पल अपने मन से गंदे विचारों को निकालता है और भगवान पे ध्यान लगाता है वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी कहलाता है। इसका पालन करने के लिए आपको अपने मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों पर कंट्रोल करना होगा। ये शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट कुछ टाइम बाद आसान हो जाएगा। आप इसे आसानी से कैसे फॉलो कर सकते हैं उसके लिए चार टिप्स है। नंबर वन, आप ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करें और हमेशा कुछ लर्न करने की कोशिश करें। अपने माइंड को कभी खाली मत छोड़ो। नंबर टू, अपने मन को सभी गंदे विचारों, डर्टी फोटो, रील्स, सोशल मीडिया और गलत मैगजीन से दूर रखें। नंबर थ्री, आपको अल्कोहल, तंबाकू, शिखर, सिगरेट इन सब से दूर रहना चाहिए। ज्यादा गर्म तले भोजन और मसालेदार जंक फूड खाने से बचना चाहिए। आपको जितना हो सके ठंडा पानी पीना चाहिए। जब भी टाइम मिले आपको भगवत गीता, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना चाहिए। नंबर फोर, आपको गलत विचारों से बचना चाहिए और वैसे सभी लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपको ब्रह्मचर्य को फॉलो करने में डिस्टर्ब करते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य के इन सभी नियमों को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो मात्र 30 दिनों में ही आपको इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि स्टूडेंट के जीवन में इसका क्या महत्व है। विद्यार्थियों के लिए उनका ज्ञान ही ब्रह्म के समान माना गया है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उनकी बुद्धि तेज होती है, लर्न करने की शक्ति बढ़ती है और उनका हेल्थ भी फिट रहता है और भरपूर नींद आती है, क्योंकि वैदिक काल में भी सभी शिष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते थे
तभी तो उनका बुद्धि और स्मरण शक्ति मजबूत होती थी। अब हम जानते हैं कि हमें कितने वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिसकी मदद से शरीर में सभी प्रकार की ग्रोथ हो सके, जैसे कि मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक। अगर आप 25 साल से पहले अपनी एनर्जी को बर्बाद करने लगते हैं तो आपकी बॉडी पूर्ण रूप से ग्रो नहीं कर पाता है, जिससे आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग 25 सालों तक हमारे शरीर में ब्लड और सीमन का ग्रो हाई लेवल होता है। अगर इस समय हम इसका सही उपयोग करते हैं तो हमारा शरीर फिट और हेल्दी रहता है। अगर आपकी मैरिज हो गई है फिर भी आप 60% तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अगर आप इसे 80-90% तक ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने पार्टनर से सलाह ले सकते हैं। अगर वे भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो आप दोनों एक बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। अब हम जानते हैं क्या लड़कियां भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है। तो हाँ, लड़कियां भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है। इन सारी बताए गए बातों को लड़कियां भी फॉलो कर सकती है। अब आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, कभी भी गलत तस्वीरें ना देखें और खराब चीजें सुनने से बचें, क्योंकि जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा। नंबर 2, आप हमेशा अपने मन को बिजी रखें, कभी भी खाली मत बैठो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है। हमेशा कुछ सही एक्टिविटी करते रहो। नंबर 3, रात का डिनर सोने से कम 2 घंटे पहले कर। नंबर 4, हमेशा फ्रेश और फुल बॉडी कपड़ा पहने, अगर पॉसिबल हो तो कॉटन या खादी के कपड़ा बेहतर होता है। कभी भी सीधे या रीढ़ के सहारे ना सोए, हमेशा करवट लेकर सोए, हमेशा जल्दी सोए और जल्दी उठे, धूम्रपान की सेवन करने से बचे। थैंक यू दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, क्या आप आज से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं? कमेंट में स्टार्ट लिख दे दोस्तों, और 30 दिन बाद इसका रिजल्ट कैसा रहा इसी वीडियो में आकर के अपना अनुभव शेयर करें। थैंक यू सो मच।